नमस्ते। आज हम जानेंगे कि गति क्या है। गति क्या है? जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तित करती है, तब हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। समय में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ गति में है? नहीं, पेड़ हिलते नहीं। भले ही हम पेड़ों को हिलते नहीं देखते, किंतु हमारी पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य भी आकाशगंगा में घूमता है। इसका मतलब पेड़ भी गति में होते हैं, है ना? हो सकता है कि ये गति बहुत धीमी हो, पर होती अवश्य है। दूसरा उदाहरण है, एक छात्र अपने वर्ग की किसी बेंच पर कुछ न करते बैठा है और शिक्षक आसपास घूम रही है। गति को मापा कैसे जाता है? हम उसे चाल कहते हैं। गति को मापने के लिए हम चाल का इस्तेमाल करते हैं। हम चाल की गणना कैसे कर सकते हैं? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसके द्वारा लिए गए समय से विभाजित करके। चाल की इकाई m बाय s होती है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड, अथवा km बाय hr यानी किलोमीटर प्रति घंटे। चाल का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से जा रही है। उदाहरणार्थ, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हो सकती है, किंतु एक व्यक्ति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हो सकता है। हम अपने आसपास तरह तरह की गति देखते हैं। उदाहरणार्थ, एक दिशा में सरल रेखा पर चलना अथवा वृत्तीय, इसके अनेक प्रकार हैं। सीधी रेखा में गति को समझना आसान है, उसे रेक्टिलिनियर मोशन अथवा सरल रेखा में गति भी कहते हैं। हो सकता है कि वो वस्तु एक ही चाल पर शुरुआत से अंतिम बिंदु तक चली जाए, अथवा उसकी चाल बदलती भी रह सकती है। उदाहरणार्थ, एक बच्चा दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरता हुआ पहले तेज होता है और अंत में धीमा हो जाता है, यानी चाल एक नहीं रहती, वो बदल रही होती है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। हम सब ने त्वरण महसूस किया है। जब हम दौड़ते हैं तो आमतौर पर हम तेजी से शुरू करते हैं और कुछ देर बाद हम थक कर धीमे हो जाते हैं और हमारी चाल धीमी हो जाती है। अथवा अलग अलग समय पर हम पहले तेज, फिर धीमे, फिर तेज और फिर धीमे दौड़ते हैं।
इसलिए वो बदल सकती है। इसी तरह जब हम दिशा बदलते हैं तब भी चाल बदल जाती है। त्वरण का अर्थ होता है वस्तु की चाल अथवा दिशा को बदलना। हर वो गति जो सीधी रेखा में नहीं होती उसमें त्वरण होता है। इसका मतलब वस्तु की चाल बढ़ रही है, कम हो रही है अथवा वस्तु दिशा बदल रही है। अगर आप एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही चाल पर दौड़ रहे हैं तब भी त्वरण होता है। क्योंकि आप लगातार दिशा बदलते जा रहे हैं ताकि आप उस वृत्ताकार पथ पर दौड़ सकें। त्वरण केवल तब होता है जब एक बाहरी असंतुलित बल वस्तु पर लगाया जाए। वो अपने आप चाल नहीं बदल सकती। उदाहरणार्थ यदि एक गाड़ी चालक को लाल बत्ती दिखाई दे तो उसे ब्रेक दबाकर रुकना ही पड़ता है। इसे मंदन अथवा ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, अथवा धीमे हो जाना। जैसे किसी फुटबॉल की दिशा बदलने के लिए अथवा तेज चलाने के लिए हमें उसे पैर से किक करना होता है। जो गति सरल रेखा पर नहीं होती उसे वक्रीय गति कहा जाता है। इसके चार मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है वृत्तीय गति। दूसरा है दोलन गति। तीसरा है आवधिक। और चौथा है अनियमित। वक्रीय गति में हमेशा त्वरण होता है। इसलिए वस्तु पर हमेशा एक बाहरी असंतुलित बल का प्रभाव होता है। वृत्तीय गति, जैसा कि नाम से ही सिद्ध है, किसी वृत्तीय पथ पर गोल गोल घूमने को कहा जाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है अथवा घड़ी के हाथ। दोलन गति घड़ी के दोलक अथवा झूले के आगे पीछे की गति को कहते हैं। आवधिक गति किसी भी ऐसी गति को कहते हैं जो एक निर्धारित अंतराल के बाद दोहराई जाए, जैसे घड़ी अथवा पृथ्वी का परिक्रमण। वो गति जहां चाल एवं दिशा निरंतर बदलती रहे
अपूर्वानुमेय तरीके से उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे कि मैदान में किसी कुत्ते का खेलना। अब आपने चाल, गति, और उनके अलग अलग प्रकारों के बारे में सीख लिया है। अब आपके लिए अपने आसपास गति के इन प्रकारों को देख पाना संभव होगा। हम तरह तरह के विषयों की जानकारी आप तक लाकर बहुत खुश हैं। धन्यवाद।